अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डे 32 और डे 31 की रिकॉर्डिंग भी इसी में शामिल है। एज सच कोई डे 31 में प्रोसीडिंग्स नहीं थी, सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था कि मेडिसिन वगैरह और जैसे मैंने उसमें बताया था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या प्रोसीडिंग्स है। आज कुछ चेंज किए हैं, जैसे मैं कह रहा था कि हमें इनको इन्वायरमेंट कंट्रोल करना है, क्योंकि दरवाज़ा बंद रहने की वजह से इनके अंदर हबस हो जाता था, तो उसको हबस को ख़त्म करने के लिए हमने कुछ स्टेप ये लिए कि ये देखें, ये जाली लगा दी हमने, ठीक है। ये देखें, इसको जाली से पूरे को कवर कर दिए, ये देखें, और थोड़ा सा रास्ता छोड़ा नीचे से आने के लिए, तो ये देखें। बाकी आपको सेकंड चिक्स जो हैं वो उधर नज़र आ रहे होंगे इस साइड पर, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये जाली लगाई है ताकि ये टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए। अभी मैंने कूलर ऑफ किया थोड़ी देर के लिए ताकि इसको रेस्ट आ जाए, लेकिन अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और मौसम जो है ना ऑलरेडी काफ़ी बेहतर है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए। तो वही बेसिक चीज़ें हैं कि अब इनका इन्वायरमेंट अंदर कंट्रोल हो गया, तो जो गैस पैदा हो रही थी इनकी वेस्ट से वो काफ़ी कंट्रोल है, यानी बदबू इतनी ज़्यादा नहीं है, और ऑब्वियसली इनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट होता है उस चीज़ का। सेकंड ये है कि इनके अभी फ्लू जो है ना उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, होपफुली इंशाल्लाह एज सून एज कवर हो जाएगा, बहुत सारी रिकवर हो गई। और दूसरा यह है कि इनका बॉटम ठीक है, फीड हम वो अच्छी करवा रहे हैं, ग्लूकोज आज यूज़ किया है रात को ताकि इनकी जो अंदर की हीट है वो ख़त्म हो जाए। सुबह जो अफ्तारी सहरी के बाद सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 5:30 बजे जो हम इनको दोबारा रीफिल करेंगे और पानी चेंज करेंगे इनका, तो उसमें हम इसको मेडिसिन डाल के देंगे ताकि जो है अगर कोई फ्लू वगैरह का इशू है तो वो उसमें रिजॉल्व हो जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, वेट भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। सबसे बड़ा अहम चीज़ है वो ये है कि इन्होंने अपने पर वगैरह जो हैं वो पूरे कर लिए हैं, और इनकी जो स्पेस है वो इनके अकॉर्डिंग ही है, यानी कि जितनी इनको रिक्वायर्ड स्पेस है वो दी जा रही है। अब बहुत सारे सवाल थे, उसमें सवालों में से ये था कि स्पेस कितनी रिक्वायर्ड है, तो वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा भी यही कर रहा हूँ कि 1.5 स्क्वेयर फीट इनको चाहिए होता है, 1.5 स्क्वेयर फीट चाहिए होता है। पानी रेगुलर चेंज करना है, जितनी बार आप चेंज कर सकें आपको देख लेते हैं कि पानी में किस चीज़ की ज़रूरत है, रिफ़िल करना है या नहीं करना। अमूमन हम जितनी बार भी आते हैं, दिन में 4 बार आएँ, तो हम देख लेते हैं कि अगर क्वांटिटी बिल्कुल लो है तो वो फ्रेश पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि गर्मियाँ आ रही हैं, तो उसके हिसाब से एक चीज़ ये नोट करनी है कि अगर ज़्यादा गर्मी आ जाए और आप इनको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना दे सकें, यानी कि इस तरह टेम्परेचर मॉडरेट ना हो सके आपसे, तो फिर आप इनको क्या करते हैं, ठंडा पानी देते हैं, हम इनको ठंडा पानी पिलाते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव जाएगा तो फिर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, ताकि जो है ये ठंडा पानी इस्तेमाल करने से ये होगा कि इनके अंदर की जो हीट है वो निकल जाएगी, यानी कि ग्लूकोज में अगर आप ठंडा पानी डालकर देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब हम मेडिसिन करेंगे इनको, तो मेडिसिन में फिर ताज़ा पानी, जो भी उसका टेम्परेचर होता है, ताज़ा पानी हमेशा यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको दूसरे चिक्स भी दिखाता हूँ कि उन वो कहाँ तक पहुँचे हैं और उनकी क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है। इनका डे 29 है और आप ये देख सकते हैं, ये देखें जी, ये कैसे अभी डे 29 में भी इसकी ये कंडीशन है। बेसिकली इसकी लेग का इशू था, तो उसकी वजह से ये इसका ये मामला है, और आप देख सकते हैं इनकी भी ग्रोथ हो रही है माशाल्लाह, बेहतर हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल स्लो ग्रो है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं वो भी आपके साथ शेयर करता जाऊँ। ये आप देखें, सारे इनका डे 29 है, फीड पूरी है, बॉटम ठीक है, पानी फ्रेश है, और इनको जो है ना एक्सेस फीड दी गई है, और इसमें जो ओपन है उसकी वजह से हवा क्रॉस होती है, तो इसमें इतनी स्मेल नहीं है, और ड्राई हो जाती है नीचे वाली जो इनकी बेस है ऑटोमेटिकली। तो इसमें कुछ सीख है माशाल्लाह जिनका वेट अच्छा हो रहा है, या दूसरे जो उस साइड के जो आए थे चिक्स, यानी उस फर्स्ट ब्रीड के, उनका साइज़ छोटा रह गया था जगह की वजह से, वो हमने इधर शिफ्ट कर दी है। ये देखें आप, तो इनको ग्लूकोज डाला गया है पानी में, 30 सीसी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, के अगर इनकी कंडीशन कैसी है उस चीज़ को नोट जो है ना मद्देनज़र रखते हुए आप इसको देख सकते हैं। माशाल्लाह इसमें चिक्स का वेट चेंज होने लगा। अच्छा, यही इशू आ रहा है कि आप देखें 29 उधर 32 डेज़ है, उधर 29 डेज़ है, और लेकिन इनका वेट ऐसा सच नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में नहीं है। उसका इफेक्ट यही होता है कि ये जो एवरेज डेज़ होते हैं, यानी 35 डेज़ या 40 डेज़ में फ्लॉक निकल जाता है कंट्रोल शेड का, लेकिन इस सिचुएशन में ये 5 to 10 डेज़ एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि इनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आप देखें, इसमें से हवा क्रॉस हो रही है, इनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जा सकता जो इनको कंट्रोल शेड में मिलेगा। तो यही प्रोसीडिंग्स हैं। कुछ देसी चिक्स भी हैं, आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि वो हमने अंडे रखे थे,
तो वो उसमें से निकले चूजे, वो बिल्कुल ही इनके आगे। तो खैर ये तो और चीज़ है, वो और है बेसिकली, क्योंकि वो देसी चिक्स का हमेशा अंडा ही छोटा होता है, तो उसके हिसाब से उनकी जब वो निकलते हैं हैच करते हैं उसमें से तो उनका वेट कम ही होता है। तो ये आज की प्रोसीडिंग सारी यही है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सिलसिला भी है क्योंकि अब मुझे फ़िश फार्मिंग पर भी वीडियोस बनानी थी, तो इसलिए गैप के साथ वीडियोस आएंगी। अब पहले मैं मुसलसल अपलोड कर रहा था, तो मैं इंशाल्लाह इनके सेलिंग और सारी चीज़ें शो करूँगा, जो नई प्रोसीडिंग होगी मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो हमें दीजिए इजाज़त जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।